हेलो एवरीवन, वेलकम टू एए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। आज हम लोग क्लास टेंथ का प्रश्नावली 3.5 पढ़ने वाले हैं। ओके, प्रश्नावली 3.5 पढ़ेंगे और ये एनसीईआरटी का क्लास टेंथ का है। ठीक है, तो हम लोग इससे पहले जो है 3.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ चुके हैं और इससे पहले जो भी एक्सरसाइज है 3.4, 3.3, 3.2 वो सारा मैं आपको पढ़ा दिया हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अगर उसको नहीं देखे हैं तो उसको भी आप देख लीजिएगा। ओके, तो फिलहाल अभी यहाँ पे हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 का 1-2 पढ़ेंगे और 3 नंबर सवाल पढ़ेंगे, यानी कि 2 और 3 पढ़ेंगे। ठीक है, 2 में 2 क्वेश्चन है और 3 में 1 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 का पढ़ते हैं। देखिए सवाल क्या बोलता है, ए और बी के किन मानों के लिए, ए और बी के लिए किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों की युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है। यानी कि ए और बी का क्या निकालना है, मान निकालना है। और फिर बोल रहा है जो रैखिक युग्म जो यहाँ पे दिया हुआ है उसके जो अपरिमित रूप से अनेक हल है। ओके, तो एक कंडीशन आपको बता दिया कि अनेक हल है। अनेक हल में क्या होता है, a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2 तीनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो हमको पहले उसी को करना है, अनेक हल जो कंडीशन है उसको पहले करना पड़ेगा, उसके बाद फिर वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो आइए यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पहले रैखिक समीकरण अनेक, रैखिक समीकरण के अनेक हल हैं। इसलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब अनेक हल होता है तो क्या करते हैं, देखिए a1 by a2 पहले लिख लेते हैं, a1 by a2। a1 कितना हमारा है, 2 है, और a2 कितना है, a माइनस बी। पूरा जो है ना ये a माइनस बी पूरा क्या है, a2 है, a माइनस बी। ये समझ गए। फिर हमको क्या निकालना है, b1 by b2। b1 कितना हमारा है जी, 3 है, और b2 है a प्लस बी, हमारा b2 है। फिर c1 by c2, c1 कितना है, 7 है। ओके, और c2 कितना है, 3a plus b minus 2 पूरा है, 3a plus b minus 2, ये आपका क्या है, c2 है। तो जब अनेक हल होता है तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, इसलिए प्रश्न में क्या बोलता है जी, अनेक हल है। तो यानी कि दो से पहले हम यहाँ पे ये लिखते हैं, इसलिए प्रश्न से बोलता है a1 by a2 बराबर है b1 by b2 के, और ये भी बराबर c1 by c2 के। तो हम यहाँ पे अब ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, a1 by a2 कितना है, 2 by 2 by a minus 2, a minus b है। ठीक है, बराबर b1 कितना है, 3 है, और b2 पूरा लिखते हैं a plus b हो गया। c1 कितना है, 7 है जी, 7। ओके, और c2 कितना है, 3a plus b minus 2, ये आ गया। तो ये देखिए आपस में तीनों क्या है, तीनों आपस में बराबर है। अब हमको ए और बी का वैल्यू निकालना है। तो देखिए हम चाहें तो ये दोनों को बराबर कर ले एक बार, तो एक समीकरण बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। फिर चाहे तो ये दोनों को बराबर कर ले या तो फिर ये दोनों को बराबर कर ले, किसी को भी आप इक्वल करेंगे तो वो इक्वेशन बनना है। दो इक्वेशन हमको लाना है और दो इक्वेशन जहाँ पे बन जाएगा फिर आपको विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से जो हल्का लगे उससे आप हल करके ए बी का वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो आइए यहाँ पे पहले हम यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं इसको, इसलिए हम क्या करते हैं 2a minus b बराबर करते हैं यहाँ पे 3a plus b, चूँकि दोनों क्या है, बराबर है। अब इसको हल कर लेते हैं। इसको कैसे हल करते हैं, देखिए ये जो 2 है तिरछा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जब भी बीच में बराबर रहेगा तो क्या करेंगे, 2 को a plus b से गुना करेंगे और 3 को a minus b से गुना करेंगे। तो आइए 2 को गुना करते हैं क्या होगा, 2a, किसी को भी पहले कर सकते हैं आप, 3 से भी कर सकते हैं। तो 2 को a से करेंगे 2a, और 2 को b से करेंगे तो 2b। ठीक है, बराबर। अब यहाँ पे देखिए 3 को a से करेंगे तो 3a, माइनस है तो माइनस देंगे, और 3 को b से करेंगे तो 3b। अब सबको क्या, सबको जो ये 3a minus 3b सबको बाएं तरफ लाते हैं, बाएं तरफ, यानी कि 2a plus 2b तो पहले से लिखा हुआ है, अब बाएं तरफ लाएंगे तो 3a plus में क्या बन जाएगा, 3a बन जाएगा माइनस में, और 3b माइनस में क्या बन जाएगा, प्लस में बन जाएगा। अब बराबर में क्या बचेगा जी, 0 बचेगा। फिर यहाँ पे देखिए आप ही यहाँ पे फैसला कीजिए, 2a है और यहाँ पे 3a है, तो 3a में से 2a घट जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस a बचेगा। और फिर देखिए a 2b और 3b तो दोनों जुड़ जाएगा, क्या होगा, 5b यहाँ पे हो जाएगा। ओके, 5b हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, फर्स्ट। अब इसी तरह से आपको सेकंड इक्वेशन निकालना है। तो आइए सेकंड हम ये दोनों को बराबर कर लेते हैं ना, बी को सी से बराबर करते हैं, ए को सी से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले बी को सी को यहाँ पे करके देखते हैं, बी सी क्या है, 3 by a plus b, यहाँ पे लिखते हैं तथा 3 by a plus b है या माइनस b, a माइनस b है ना, a प्लस b है, अच्छा
ए प्लस बी, ठीक है ए प्लस बी है। और फिर यहाँ पे फिर देखिए सेवन बाई थ्री ए प्लस बी माइनस टू है ना, ये लिख रहे हैं हमको यहाँ पे लिखना है बराबर सेवन बाई थ्री ए प्लस बी माइनस टू, मिला लेते एक बार, यही है कि नहीं, है ना सेवन ए प्लस थ्री बी, सेवन ए थ्री ए प्लस बी माइनस टू, ये ठीक है। अब इसको क्या करते हैं जी, इसको हल करते हैं सेम कंडीशन को, थ्री को थ्री से करेंगे तो तीन तिया नौ ए प्लस तीन को बी से करेंगे तो तीन बी प्लस माइनस माइनस तीन दूना छः हो गए। अब सात को करेंगे सर, सात को ए से करेंगे तो सात ए प्लस सात को बी से करेंगे तो सात बी। अब ये जो सात ए सात बी इसको भी लाइए बाएँ तरफ और छः को भेज देंगे दाएँ तरफ। तो पहले तो जो लिखा हुआ है ऐसे लिख लेते हैं, थ्री बी छः को तो भेजना है फिलहाल तो इसको नहीं लिखते हैं। सेवन ए है यहाँ पे दाएं तरफ है, सेवन ए को इधर लाएंगे माइनस सेवन हो जाएगा और प्लस जो है सेवन बी को इधर लाएंगे सॉरी, तो ये भी क्या बन जाएगा आपका माइनस सेवन बी बन जाएगा और सिक्स माइनस में इधर जाके क्या बनेगा प्लस बनेगा। अब इसको हम अच्छा से थोड़ा सा कर लेते हैं, सात ए में से नौ ए में से सात घट जाएगा तो क्या बचेगा टू ए बचेगा। और फिर यहाँ देखिए सेवन बी माइनस में और थ्री बी प्लस में तो घटा देंगे तो माइनस फोर बी बराबर माइनस सिक्स, हमारा समीकरण क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट सेकेंड देखिए आप खुद देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्या है माइनस ए प्लस फाइव बी बराबर जीरो है, ये टू ए माइनस फोर बी माइनस सिक्स। तो क्या करें जो हम बराबर ए को बराबर कर लेते हैं ना, तो ए देख रहे हैं यहाँ पे माइनस में है और यहाँ ए प्लस में है, तो इस समीकरण से हम क्या करते हैं टू से गुना करते हैं, इस समीकरण से टू से क्या करते हैं गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट किए चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट गुना टू और दोनों क्या करेंगे जोड़ देंगे, समीकरण फर्स्ट गुना टू को समीकरण समीकरण जो है सेकंड से जोड़ने पर, तो समीकरण फर्स्ट को टू से गुना कीजिए देखिए तो टू ए हो जाएगा माइनस में और पाँच दुना दस भी हो जाएगा, ठीक है तो टू ए हो जाएगा आपका माइनस में कहा गया माइनस में टू ए हो जाएगा और प्लस पाँच दुना दस भी, ओके पाँच दुना दस भी एक मिनट हाँ ठीक है। अब देखिए टू ए हो गया माइनस में माइनस टू ए प्लस पाँच दुना दस बी ऐसा तो बचेगा जीरो। अब इसको तो कुछ नहीं करना है हमको, इसको ऐसे उतारना टू ए माइनस फोर बी बराबर माइनस सिक्स, ठीक है यहाँ देखिए जी तब जोड़ना है तो निशान चिन्ह करेंगे दोनों खत्म हो जाएगा और दस बी में से चार बी कटेगा तो क्या हो जाएगा छः बी बराबर माइनस सिक्स। अब देखिए छः छः कट जाएगा तो क्या बचा माइनस वन बचा बी बराबर माइनस वन, तो यहाँ पे माइनस वन आ गया मतलब कुछ मिस्टेक है। अच्छा हाँ यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक है, ये छः जो था माइनस में तो इधर भेजेंगे तो प्लस बन गया तो फिर हम यहाँ पे क्यों लिख देंगे, ये तो मेरे से मिस्टेक हो गया है ना, तो ये प्लस रहेगा ठीक है प्लस रहेगा तो छः कम छः कट जाएगा तो क्या बचेगा बी बराबर क्या गया वन आ गया बी बराबर वन आ गया। अब बी का मान समीकरण फर्स्ट या सेकेंड किसी में रख देते हैं, तो ऐसा मिस्टेक हो जाता है एग्जाम में तो ध्यान से इसको बनाएंगे ठीक है। अब यहाँ पे हम यहाँ पे ही यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं ठीक है। बी का मान समीकरण किस में रख दें, फर्स्ट वाला इजी था ना, फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट समीकरण क्या था देखिए, तो फर्स्ट हमारा क्या है जी हाँ देखिए माइनस ए प्लस फाइव बी बराबर जीरो, ये हमारा फर्स्ट समीकरण है तो माइनस ए तो ऐसे रहेगा और प्लस पाँच गुना बी का मान कितना था वन बराबर जीरो, माइनस ए अब प्लस पाँच कम पाँच बराबर जीरो, अब पाँच को भेजे तो दाएँ तरफ तो माइनस फाइव बन जाएगा और दोनों तरफ जो माइनस आता तो क्या होता कट जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बराबर क्या हो जाएगा जी ए बराबर पाँच हो जाएगा, इसलिए ए बराबर पाँच और बी बराबर क्या हो जाएगा वन, तो हमारा यही दोनों क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हमें एक जगह खाली मिस्टेक किए थे यहाँ पे माइनस जो ये जो छः माइनस इधर आएगा तो प्लस बनेगा, तो फिलहाल ये तो ठीक यहाँ तक था, यहाँ पे हम मिस्टेक से लिख दिए थे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया हो कि ए का ए और बी का कैसे मान निकालेंगे। तो ये जो कंडीशन जो दिया होता है यहाँ पे आप परिमित रूप से ये जो कंडीशन इसी कंडीशन पे आपको अरेंज करना है और आपको ए बी का मान निकालना है, जैसे कि यहाँ पे बोला गया ए बी के किन मानों के लिए, तो ए का मान कितना आ गया पाँच और बी का मान वन आ गया, तो आपका आंसर क्या होगा सेट हो गया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए दूसरा सवाल यहाँ पे पढ़ते हैं। तो अब आइए सेकंड सवाल की ओर चलते हैं। सेकंड सवाल हमारा क्या बोलता है यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा कंडीशन क्या बोल रहा और उसी कंडीशन के हिसाब से आपको यह बनाना पड़ेगा। सेकंड बोलता है कि के के किस मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म का निम्न रैखिक समीकरण का युग्म कोई हल नहीं है। आप लिखेंगे कोई एक मिनट कोई लिखाएगा ठीक है कोई हल नहीं है कोई हल नहीं है तो मिस्टेक टाइपिंग हुआ था। किन समीकरणों का युग्म का कोई हल नहीं है ठीक है। तो अब हमारा ये समीकरण दिया कोई हल कब होता है
कोई हल नहीं कब होता है, जब शुरू में बराबर हो जाए और फिर बाद में बराबर ना हो, यानी कि a1 by a2 बराबर b1 by b2 नॉट बराबर, कि बराबर नहीं होगा c1 by c2 पे, तो ये हमारा होगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लेते हैं, यहाँ पे चूंकि इसके कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला भी डायरेक्ट बैठा सकते हैं यहाँ पे, इसलिए a1 by a2 बराबर b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2, ये भी लिख सकते हैं, और जो पहले बताया वैसे भी लिख सकते हैं। a1 कितना हमारा जी 3 है, a2 कितना है 2k-1, a2 हमारा ये 2k-1, ठीक है। b1 कितना है 1, y में कुछ नहीं गुणा तो 1 हो रहा गुणा, और b2 कितना है k-1, और c1 कितना है 1 है, और c2 कितना है 2k+1, यहाँ पे बराबर नहीं है, तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ क्या निकालना है, k का मान निकालना है। ओके, तो k का मान, तो ये इजी बनेगा, ऐसा सवाल बहुत एग्जाम में देखने को मिलता है। ओके, तब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसलिए यहाँ पे ये दोनों को बराबर कर लेंगे, 3/2k-1 बराबर है 1/k-1, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक तिरछा तिरछा गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 को k से करेंगे तो क्या होगा 3k+-3, 3 को 1 से करेंगे तो 1 होता है, 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2k-1 को 1 से करेंगे तो 2k-1 को 1 से गुना करेंगे तो वही आ जाएगा। चलिए अब 2k को बाएं तरफ लाते हैं, 2k दाएं तरफ लिखा हुआ बराबर, यहाँ पे दाएं तरफ 2k है तो 2k को बाएं तरफ लाएंगे, तो फिलहाल 3k यहीं पर रखते हैं और ये 3 को जो है ना दाएं तरफ भेजेंगे, तो पहले जो 2k को 2k जो है दाएं तरफ, उसको पहले बाएं तरफ लिख देते हैं, 2k प्लस क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा। अच्छा, इधर तो पहले से माइनस 1 है और ये 3 जो है माइनस में, इधर जा क्या बन जाएगा प्लस में 3 बन जाएगा। अब देखिए जी 3k में से 2k घटा देंगे तो क्या बनेगा k, और 3 में से 1 घटेगा तो 2, तो k का मान कितना आ गया 2 आ गया, तो बस यही आपका आंसर हो गया। तो ये सवाल ऐसा सवाल ऐसे ही करके सवाल आपको एग्जाम में मिलता है देखने के लिए, ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं रहेगा, इसी तरह का सवाल रहेगा, k का मान निकालने के लिए बोलेगा और यहाँ पे कंडीशन दे देगा कि कोई हल नहीं है। कभी कभी ऐसे देगा कि कोई हल नहीं है, कभी कभी ऐसा देता कि केवल एक हल है, केवल एक हल है, तो शुरू में नॉट इक्वल टू रहेगा और ऑप्शन भी देता है के नॉट इक्वल टू, इस तरह से ऑप्शन भी देता है, तो उससे नॉट इक्वल से कोई मतलब नहीं है, नॉट इक्वल टू से कोई मतलब नहीं है, है ना। हम ऐसे भी आंसर ला सकते हैं, लेकिन आपका ऑप्शन में अगर नॉट इक्वल टू रहता तो उससे बनाएंगे, अगर के बराबर 2 आंसर दे रहेगा तो 2 आंसर लिखेंगे, और के नॉट इक्वल करके रहेगा तो ये दोनों को कंपेयर करेंगे, ये दोनों को बराबर करेंगे, तो आपका आंसर आएगा फिर सही आएगा। तो आई थिंक आपको दूसरा का सेकंड नंबर सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग तीसरा नंबर सवाल को पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे आ जाइए सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 क्या बोलता है, यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा सवाल 3, और सवाल 3 थोड़ा सा ज्यादा घिचपिच दिख रहा है, मतलब घिचपिच नहीं है, जो आप पहले बनाए वही बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है जो समीकरण जो दिया हुआ है उसको जब प्रतिस्थापन विधि से और वज्र गुणन दोनों विधि से हल करना है, तो अगर आप बोले तो मैं दोनों विधि से हल करके बता देता हूँ। ओके, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा वक्त लगेगा, पूरा देख लीजिए और एक बार आपको रिवीजन भी हो जाएगा कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे बनाते हैं जी और वज्र गुणन विधि से कैसे बनाते हैं, दोनों आपको जो है यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। तो दोनों विधि से बनाएंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, सेम आंसर आएगा, सेम आंसर आने वाला है। तो पहले 1/1 पहले हम क्या मानते हैं, प्रतिस्थापन विधि से पहले बनाते हैं फिर वज्र गुणन विधि बनाते हैं। हालांकि एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा, एग्जाम में किसी एक विधि से बनाने के लिए आएगा, लेकिन आपका किताब का मसला है 1/1 करके, तो आइए बना लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं, यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रतिस्थापन विधि। चलिए तो पहले प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं जी, किसी एक को चाहे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं ना, इक्वेशन लिखते हैं 8x+5y=9 और 3x+2y=4। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, हमारा समीकरण तो फर्स्ट सेकंड तो हो गया, यहाँ पे किसी एक समीकरण को उठाते हैं और x या y का मान निकाल लेते हैं और उसका मान जो है दूसरा समीकरण में डाल देंगे, तो फिर वहां से क्लियर y का मान या x का मान निकल जाएगा। तो समीकरण चलिए सेकंड से लेते हैं ना, समीकरण सेकंड क्या है 3x+2y=4। यहाँ पे किसका मान निकालें, चलो x का मान निकालते हैं, किसी का y का भी मान निकाल देते हैं, तो 2y प्लस में इधर जाके बनेगा -2y। अब देखिए x के बराबर क्या बनेगा 4-2y=3, ये आपका x का मान आ गया। अब x का मान हम समीकरण किस में रख दें, फर्स्ट में मान रख देते हैं, तो y का मान निकल जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं x का मान समीकरण
फर्स्ट में रखने पर, ओके फर्स्ट क्या है, 8x + 5y = 9। अब यहाँ पे x का मान रखना है, ओके समझ में आ रहा आप लोग को, तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा समझ में आ रहा तो। 8 x का मान कितना है, 2 रख देंगे, 4 - 2y / 3 रख दिया पे, +5y = 9। तो यहाँ पे देख रहे हैं y वाला गया, तो y का मान पहले निकलने वाला है। तब इसको क्या करेंगे जी, हम पहले 8 को से 8 से गुना कर लेते ऊपर, 8 चौक आपका 32 - 4 = 16y प्लस नीचे जो 3 है वो 3 ऐसे रहेगा, और प्लस यहाँ पे 5y को 5y यहाँ पे लिखेंगे बराबर 9। अब क्या करेंगे जी, ये दोनों को एलसीएम बना लेंगे ना, यहाँ पे एलसीएम लिख लेते हैं, भिन्न का जोड़ लेंगे, 3 एलसीएम हो गया, तो ये तो हमारा वही आ जाएगा 32 - 16y प्लस 5 के नीचे 1 छुपा हो, तो 1 को 3 से गुना करेंगे, 3 × 3 = 15y = 9। समझ आ रहा है, ये तो ईजी वाला है, बच्चा वाला है, आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे बनाते रहते, ये सब आपको स्ट्रांग होना चाहिए, इसमें कमजोरी नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ पे 32 लिख देते हैं, 16y में से 15y घटेगा तो क्या बचेगा, -y, क्योंकि बड़ा वाला क्या है माइनस में है, और 3 को इधर भेजते हैं तो 9 × 3 है ना, 9 × 3 = 27 हो जाएगा। चलिए 32 - y = 9 × 3 = 27 यहाँ पे होता है। आप क्या करेंगे, 32 को दाएं तरफ भेजिए, तो -y तो ऐसे रहेगा, 27 रहेगा ऐसे, 32 प्लस में जाकर बनेगा -32, तो -y बराबर घटाइए कितना आएगा -5, 32 में 27 गया 5 माइनस में, और दोनों तरफ जब माइनस रहता है तो क्या करते हैं काट देते हैं, तो y बराबर क्या गया 5 आ गया, तो y का मान हमारा आ गया 5। अब y का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में डालते हैं, तो आइए y का मान किसी में एक में डाल लेते हैं फर्स्ट या सेकंड में, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, अब y का मान समीकरण, चलिए सेकंड में डालते हैं, सेकंड में रखने पर या डालने पर, तो जिसमें भी डालेंगे आंसर आपका सेम आने वाला है। सेकंड समीकरण क्या है जी, यहाँ देखें 3x + 2y = 4, ओके तो यहाँ पे लिख लेंगे 3x + 2y = 4 है, और y का मान हमको क्या रखना 5, 3x तो ऐसे रह जाएगा 2 × 5 = 4, y का मान 5 रख दिए, और ये 5 × 10 हो जाएगा, तो 5 × 10 को जो दाएं तरफ भेज लेते हैं, क्या करते हैं दाएं तरफ भेजते हैं, तो 5 × 10 प्लस में हो जाएगा, माइनस बन जाएगा 5 × 10, और यहाँ पे देखिए 1 से बराबर क्या बनेगा, अच्छा 3x ही लिखते हैं, 10 में से 4 घटेगा -6, आराम से समझिए 3 × 6 माइनस में, तो 1 से बराबर क्या गया -2 आ गया, तब यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए हमारा 1 से बराबर -2 और y बराबर कितना आ गया 5 आ गया, तो ये दोनों आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ये प्रतिस्थापन विधि से बनाया तो आंसर आया। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि से बनाने में मतलब है तो ये लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग बन गया ना, तो अब हम देखते हैं वज्रगुणन विधि से बना करके उसमें क्या कहा जाता है, और फिर लास्ट में आपको नीचे आपका कमेंट बताना है कि आपको कौन सा विधि सबसे अच्छा लगता है, एग्जाम में भी अगर ऐसा सवाल में भी आ गया तो आपको वही लिखना पड़ेगा। तो अब आइए हम लोग वज्रगुणन विधि से बनाते हैं इसको, तो अब इसको जो हम लोग वज्रगुणन विधि से बनाते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा मान, एक्स का मान कितना आया था -2 आया था, और वाई का मान 5 आया, तो वज्रगुणन विधि से भी यही मान आना चाहिए, तब तो हम जानेंगे हाँ सही बना। तो आइए वज्रगुणन विधि से यहाँ बनाते हैं, वज्रगुणन विधि, तो वज्रगुणन विधि बनाने से पहले हम क्या करते हैं, ये समीकरण उसको अरेंज करते हैं है ना, अरेंज करें, तो समीकरण क्या हमारा 8x + 5y, और 9 को भी इधर भेज लेते हैं, 9 प्लस में इधर जा क्या बनेगा -9 = 0, और फिर नीचे समीकरण 3x + 2y, 4 इधर है प्लस में इधर भेजिए, तो 4 को क्या कर देंगे माइनस में कर देंगे = 0। अब हमारा ये आ गया, अब हम क्या करेंगे वज्रगुणन विधि का जो फार्मूला है, फार्मूला जरूर लिखिएगा एग्जाम में, जब भी सवाल रहेगा तो फार्मूला लिख करके बनाइएगा, क्योंकि जब फार्मूला लिख करके बनाएंगे तो जो एग्जामिनर होगा जो कॉपी जाँचेगा, कोई जरूरी नहीं कि उसको फार्मूला याद ही हो है ना, कोई जरूरी नहीं कि उसको फार्मूला याद हो जो कॉपी जाँच रहा हो, तो फार्मूला अगर आप लिखते हैं तो वहाँ पे वो सटीक रहेगा और आपका आंसर सही देखेगा, और खुश होकर आपको नंबर भी देगा, काटने की कोशिश भी नहीं करेगा। तो फार्मूला हर क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन आता है तो फार्मूला लिख लिख कर बनाने की कोशिश कीजिएगा, तब आपको फार्मूला जो है कंठस्थ से दिमाग में याद हो जाएगा, अगर फार्मूला सोचेंगे याद कर ले रट ले तो इम्पॉसिबल है फार्मूला। आइए अब यहाँ पे पहले एक्स का फार्मूला क्या निकलते हैं, एक्स सजम, जब एक्स सजम निकालना होता है तो इसको छुपा लेते हैं और इसको गुना करते हैं, जो 5 है ना 5 को इससे गुना करते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5 का मान, देखिए ये हमारा A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ठीक है, ये आपको लिखना नहीं समझना, ये A2 है, ये B2 है, ये C2 है, तो देखिए जब ये निकालना है एक्स निकालना है तो B1 को C2 से गुना करना पड़ेगा, B1 को C2 से गुना करना पड़ेगा, फिर घटाएंगे और C1 को B2 से, ओके अब वाई का निकालते हैं,
अब जब y निकालेंगे ना, तो y निकालेंगे तो एक कंडीशन क्या करेंगे, c1 को a2 करेंगे, क्या करेंगे c1 को a2 ना कि a1 को c2 करेंगे, उल्टा यहाँ पे c1 को a2 करना है, c1 को a2 करेंगे और फिर घटाएंगे, और देखिए a1 को c2 कर लो या c2 को a1 कर लो, तो ये तो बात बराबर है, 8 चौक 32 चार अठी 32 या 8 चौक 32 तो बात तो बराबर है, तो a1 c2 यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे क्या बचा, 1 अचर पद मतलब 1 हो गया। अब हमको ये निकालना है तो इसको झापिएगा और फिर 8 को यानी कि a1 को b2 करेंगे, क्या करेंगे a1 को b2 करेंगे और फिर b1 को a2 कर लीजिए, b1 को a2 से कर लीजिए, तो ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे बैठा लीजिए एक से b1, देखिए b1 कितना है, तो यहाँ लिखने से अच्छा मैं डायरेक्ट बताता हूँ, b1 को c2 करना है, b1 को c2 करना है, प्लस माइनस माइनस पंच चौक 20, डायरेक्ट यहाँ पे क्या हो गया 20 हो गया, माइनस c1 को b2 करना है, c1 को b2 करना है, तो देखिए माइनस 9 है, 9 दुना 18 माइनस में होगा, तो हम माइनस को जो है ना घेर के लिखेंगे माइनस 18, अगला लाइन में इसको हम थोड़ा सा सही कर लेंगे, तो ज़्यादा शॉर्ट नहीं करना है नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। फिर देखिए c1 को a2 करना है, c1 हमारा कौन है, ये हमारा है, हमको ये निकालना है ना y वाला, तो c1 को a2 करना है, c1 को a2 से, तो 9 27 माइनस में माइनस प्लस माइनस माइनस होता है माइनस। चलिए अब a1 को c2 करना है, a1 हमारा ये है और c2 हमारा ये है, 8 चौक 32 और 8 प्लस में 4 माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 32 यहाँ पे लिखेंगे घेर के, फिर 1 आ गया। अब देखिए a1 को b2 करना है, a1 को b2 करना है, देखिए 8 दुना 16 दोनों प्लस में, तो प्लस 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 तो होता है, 8 दुना 16 माइनस, b1 को a2 करना है, b1 हमारा कितना 5 है, a2 3 है, तो 5 दिया 15 ये आ गया। अब यहाँ पे बस इतना ही करना है, इतना अगर आपको आ गया बनाने के लिए तो ईजी हो जाएगा। फिर देखिए एक से बटा 20 प्लस माइनस 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 प्लस 18 हो गया। अब यहाँ पे क्या जाएगा वाई माइनस 27 अब माइनस माइनस प्लस 32 बराबर ये तो 1 बाई घट जाएगा तो क्या होगा 1 होगा। अब यहाँ पे और अच्छा से यहाँ पे बना लीजिए जी, एक से बराबर 8 कितना है 18 है और 20 है, 18 20 जोड़ेंगे इतना होगा, 18 20 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका जो, तो यहाँ पे एक वर्ड यहाँ पे मिस्टेक क्या किए जी, हम यहाँ पे देखिए मिस्टेक में किया हूँ आपसे, ये जो निकाल पंचक बीच जो किए थे प्लस माइनस माइनस यहाँ पे लिखना भूल गए थे, तो इसलिए हमको लगा था आंसर कुछ गड़बड़ हो सकता है ना, तो माइनस यहाँ पे होगा और यहाँ घटाएंगे कितना होगा, यहाँ पे पहले इसको एक टू को मिटा लेते हैं, ये जो 8 जो लिख दिए इसको हम क्या करते मिटा लेते हैं, तो यहाँ पे आपको माइनस प्लस में मिस्टेक नहीं करना है ठीक है, तो घटा लेंगे कितना जाएगा माइनस 2 आ जाएगा ठीक है, और ये वाई बराबर वाई बराबर 32 में 27 गया था घटेगा तो 5 ये अब क्या हो गया 1 बाई 1 ऐसे लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं तीनों आपस में क्या हो गया बराबर हो गया, x बाई माइनस 2 बराबर y बाई 5 बराबर 1 है यहाँ पे। तो आइए अब इसको क्या करेंगे हम लोग बराबर करते हैं, तो आपको पता है ये बराबर है ये बराबर तीनों आपस में बराबर है, तो x का निकालना है तो ये दोनों को क्या करेंगे बराबर कर लेंगे और y का निकालना है तो ये दोनों फिर बराबर कर लेंगे, इसलिए x माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 1 और आप देखिए x बराबर क्या होगा माइनस को 1 से गुना करेंगे तो माइनस 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2 x का मान कितना आ गया 2 आ गया और फिर y बाई 5 बराबर क्या करेंगे 1 अब इसको गुना करेंगे तो y बराबर क्या होगा 5 एकम 5 इसलिए x बराबर माइनस 2 और y बराबर 5 तो यही भी आपका आंसर होता है। इससे पहले वाला भी यही आया था अभी वाला भी यही आया है, तो यहाँ पे सिर्फ मैं एक मिस्टेक कर दिया था बी एहन है जो कि आपको पता बताया था ये जो पंच चौक 20 जो होगा प्लस माइनस माइनस तो हम माइनस लिखना भूल गए थे फिलहाल तो इसको सुधार लीजिएगा। तो यहाँ पे देखा जाए दोनों विधि से बनाए तो दोनों विधि से आंसर हमारा क्या आया सेम आया। अब आपको बताना डिसाइड करना कि कौन सा विधि आपको सही पसंद ज़्यादा पसंद है, नीचे कमेंट बॉक्स दिया हुआ है कमेंट जरूर कीजिएगा ठीक है। मेरे ख्याल से तो प्रत्यस्थापन विधि मुझे ज़्यादा इजी लगता है, थोड़ा सा लॉन्ग बनता है लेकिन इजी से वो सवाल जो हल होता है, बट वज्र गुणन विधि से आपको फॉर्मूला अगर याद है तो वो भी सबसे इजी बनता है। तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और नए आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो का नोटिफिकेशन डालूं आपके पास तुरंत मैसेज चला जाए कि वीडियो कब चलने वाला है क्लास कब स्टार्ट होने वाली है ओके। तो और इसके बाद मैं एक और ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम नाम का एक एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए पर्सनल, उसमें एक ग्रुप है और मेरे से पर्सनली बात कर सकते हैं ए ऑनलाइन सोल्यूशन 2021 ये आपका टेलीग्राम का चैनल ग्रुप का नाम है ए ऑनलाइन सोल्यूशन 2021 इसमें आप ज्वाइन हो जाइए और ज्वाइन होने के बाद वहाँ पे आप कोई डाउट रख सकते हैं मेरे से पर्सनली कुछ मैसेज भी कर सकते हैं, मेरे पास टाइम मिलेगा तो मैं आपको हेल्प करूँगा। इसके अलावा मैंने एक आपके लिए स्पेशल ग्रुप बनाया हूँ उसमें मैं सब्जेक्टिव सवाल जो नोट से बनेगा उसका मैं पीडीएफ सेंड करूँगा, उसके लिए मात्र आपको 100 रुपया पे करना पड़ेगा और वो सिर्फ चैनल को सपोर्ट करने के लिए। तो फिलहाल अभी ये तो बात की बात है, पहले आप इस ग्रुप में ऐड होइए, उसके ऐड होने के बाद मेरे से वहाँ से पर्सनली मैसेज कीजिए कि अगर आपको ऐड होना कि नहीं होना है तो मैं आपको कंडीशन बता दूंगा ओके।
तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।